राजधानी लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र की घटना। पीड़ित के पिता को सुबह 11 बजे से बंथरा थाने में विवाह सुलझाने के नाम पर बिठाए रखा और घर की तुड़वा दी दीवार। दबंगों से बंथरा पुलिस की मिलीभगत के चलते फरियादों को नहीं मिल रहा न्याय। आइए सुनते हैं पीड़िता की जुबानी। क्या समस्या, कहाँ की रहने वाली है? गाड़ी चुनौती जी। क्या समस्या है? समस्या सर ये है कि हमारे सहन में हमारे परिवार वाले दरवाजा दीवार में अपनी ठोस दीवार में हमारे सहन में दरवाजा तोड़ दिए हैं और हमारे ही सहन में नाली बहा रहे हैं। जिस सहन में वो ले जा रहे हैं नाली, वो ज़मीन 2015 से स्टे है और 2001 से हमारा पुराना मुकदमा चल रहा था और उसी में 15 में स्टे हुआ था और इसका भी हमने मुकदमा दीवानी में डाल दिया है जिसकी तारीख जो है 6/8/2020 को लगी है। इन लोगों को जवाब इनसे मांगा गया है और कल जो है हम लोगों के ना होने पे इन्होंने ज़बरदस्ती परिवार वालों की सहमति से, ग्राम प्रधान की सहमति से, बंथरा थाने की सहमति से, इन सबकी सहमति से दीवार में अपने मोहरा ज़बरदस्ती फोड़ दिए हैं। हम घर पे थे नहीं, हम गए थे अपना आलमबाग गए थे, हमारा कोई काम था तो हम वहाँ गए थे। हमको यहाँ से घर से सूचना जब मिली, हमारे नंबर पर फ़ोन किया गया तो हम सर 108 से ट्रांसफ़र किए हैं अपनी कॉल 112 में। वहाँ से भी हमारे पास बैक आई है और उसके बाद में हमने एसपी सर को भी फ़ोन किया, एसपी सर ने भी हमारा नंबर 112 में ट्रांसफ़र किया। ट्रांसफ़र करने के बाद में 112 नंबर जब पुलिस आई है तो वही रुकवाए हैं और हमारे पापा को 11 बजे के करीब बंथरा थाने में बुला लिया गया था कि कहा गया कि यहाँ पर आप आइए, हम आपका फैसला करवा देंगे। तो इनको भी बुलाया गया, इनकी तरफ से नंदिनी और जो पुष्पा द्विवेदी हैं ये दोनों लोग गईं और हमारे पापा गए। वहाँ पे बात ही चीत हो रही थी और वहाँ से जिसने भी फ़ोन किया हो कि आप दरवाज़ा फोड़ दीजिए, पापा हमारे थाने में ही बैठे रहे और यहाँ पे दरवाज़ा टूटने लगा। उसके बाद में जब ये सब हमने कार्रवाई करने के बाद में 112 नंबर की पुलिस आई है, वही रुकवाए हैं और रुकवाने के बाद में तब से रुका है और फिलहाल कह रहे हैं कि अब हम फिर से फैसला करेंगे और फिर से करेंगे, SO को बुलाएंगे, SHO को बुलाएंगे और प्रधान को बुलाएंगे, पंच को बुलाएंगे, फिर से प्रधान फैसला होगा। लेकिन हम इन सब फैसलों को हमारा मान्य नहीं है। हमारा जब दीवानी मैटर चल रहा है वहाँ से जो फैसला होगा हमको वही मान्य है।